नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइव ओवर सोल्ड स्टॉक्स हम लोग देखेंगे और ये स्टॉक आपको नेक्स्ट दिवाली तक के लिए भी आप लोग होल्ड कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए दिवाली पिक्स भी यही सब है। तो पहला स्टॉक हम लोग बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक का। बहुत ही शानदार बैंक है, ग्रोथ इसमें पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैद्यनाथन जी इसके CEO हैं, अभी क्वार्टरली रिजल्ट फिलहाल आया है और इसमें प्रॉफिट में हमें 50% तक हम लोग को जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल क्वालिटी स्टॉक है और इसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी बहुत ही अच्छा खासा है, लगभग 4.5% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, किसी प्राइवेट बैंक में गवर्नमेंट का जब स्टेक इतना है तो स्टॉक में कुछ खास बात होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे ही किसी स्टॉक्स में नहीं लगाता है, बहुत समझ बूझ कर ही पैसा लगाया जाता है। तो इसलिए क्वालिटी स्टॉक है, डरने वाली बात नहीं है। संजीव भसीन जी का भी ये फेवरेट स्टॉक रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो मेथड सीखे हैं दोस्तों, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे, लेकिन फिर से बता देते हैं, बहुत सारे नए व्यूवर्स भी देखते हैं। तो हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, सिंपल मूविंग एवरेज है, और एक 200 डेज का मूविंग एवरेज हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग को लगाना है पिवट लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप लोग को दिख रहा होगा उसको बोला जाता है पिवट लाइंस। पिवट लाइंस बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइंस, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है। और हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं, एक थंब रूल हम लोग जानते हैं कि जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब रहे, या बेस्ट होता है कि अगर हम लोग नीचे बाई करेंगे तो बेस्ट ज़्यादा होता है, और हम लोग 200 डेज के करीब में भी बाई करेंगे तो बड़ा अप मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और एक हम लोग और भी पॉइंट नोट करते हैं दोस्तों, कि जैसे ही प्राइस 200 डेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए, वैसे सिचुएशन में हम लोग बाई नहीं करते हैं, कुछ हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि स्टॉक ऊपर नीचे होते रहता है, हमेशा मौका मिलता है इसमें हम लोग को बने रहने का, चाहे तो फिर से और ऐड करने का। तो हम लोग देख रहे हैं बड़ा करेक्शन IDFC फर्स्ट बैंक में हम लोग को देखने को मिला है। टॉप से लगता है 64 से प्राइस गिरते गिरते बहुत ही नीचे आ चुका था, लगभग 42 के करीब ही ये आ चुका था। तो हम लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बढ़िया सा कंसोलिडेशन, हम लोग को एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग को ब्रेकआउट की संभावना है दोस्तों, और यहाँ पे हैमर कैंडल भी दिख रहा है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल करके, और इसको ब्रेक करता है 200 डेज के लाइन को, तो एक अच्छा अपमूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। और हम लोग जानते हैं IDFC फर्स्ट बैंक ने का एक्सपोजर वोडाफोन आइडिया में भी था इसका लोन का, तो सरकार की तरफ से बहुत ही राहत दिया गया है टेलीकॉम सेक्टर को, उससे इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट भी कुछ अच्छा है। तो इस कारण से निवेश हम लोग एक साल के व्यू लेकर के कर सकते हैं, बढ़िया हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक हम लोग का फर्स्ट पिक है। जैसे ही एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हट बनाने का जरूरत नहीं है, एक दो दिन अगर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है बड़ा सा, तो हम लोग इसमें एंट्री कर लेंगे। तो ये हुआ IDFC फर्स्ट बैंक का। हम लोग थोड़ा इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट की बात करें दोस्तों, तो वीकली चार्ट में भी हम लोग को कंसोलिडेशन दिख रहा है, और कंसोलिडेशन के पास अगर ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलता है तो वो बहुत ही लंबा दूरी तक जाता है, क्योंकि जब तक स्टॉक कंसोलिडेट नहीं करता है दोस्तों तो वो अच्छा अप मूव नहीं दिखाता है, इसलिए कंसोलिडेशन है तो अच्छा है, और भी कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है और फिर ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। और बैंकिंग स्टॉक अभी उतना ज़्यादा भी नहीं चले हैं, उतना भी ज़्यादा सेचुरेशन नहीं है, इसलिए हम लोग बाई करके चल सकते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फेवरेट स्टॉक है रिटेलर्स का, आईटीसी, लेकिन आज तक चला नहीं है, क्या रीज़न है इसका हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये मेन इसका रेवेन्यू आता है सिगरेट से, और सिगरेट पे इस पे क्या होता है निगेटिव सेंटिमेंट बना रहता है कि कब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, कब क्या हो जाए, तो इस कारण से इस पे निगेटिव सेंटिमेंट के कारण बहुत सालों से कंसोलिडेशन में चल रहा है, कभी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन आगे उम्मीद किया जा रहा है कि इसका FMCG बिजनेस भी ग्रो करेगा, और इसी को मैनेज करेगा कि टोबैको का जितना भी इसका प्रोडक्ट है उससे जितना रेवेन्यू आता है, आने वाले दिनों में FMCG सेक्टर इसका ओवरटेक कर लेगा। यही बहुत सारे एनालिस्ट और म्यूचुअल फंड वाले भी
यही उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। इसी के कारण हम लोग भी आईटीसी में बुलिश हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक है निफ्टी का, और हम बहुत सारे वीडियोस में बता भी चुके हैं आईटीसी के बारे में। तो हम लोग फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पे 200 डेज से कंसोलिडेट करके एक ऊपर अपमूव बढ़िया सा शो किया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है। तो सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों, प्राइस फॉल कर गया। इसीलिए इसी के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दूर चाहे किसी पिवट से टकरा जाए और डिस्टेंस हो जाए 20 और 200 और प्राइस के बीच में, तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि हमेशा स्टॉक में 80-90% टाइम मौका मिल जाता है। तो हम लोग फिर से आईटीसी बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है हम लोग को, और अभी हम वेट करेंगे 200 डेज के आने तक। अगर मान लीजिए यहाँ से ही घूमने का प्रयास करता है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको ऊपर देखने को मिलता है, तो यहीं पर बाई कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग 1 ईयर के व्यू लेकर चल रहे हैं नेक्स्ट दिवाली तक का, तो हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न आईटीसी में देखने को मिल सकता है। और बात करें हम लोग डिविडेंड भी करीब 4-5% तक डिविडेंड भी देता है, तो आपको एडिशनल बोनस भी मिल सकता है, क्योंकि आप स्टॉक भी ले रहे हैं और प्लस 4-5% आपको गारंटेड इनकम तो है ही। तो आईटीसी हमारा एक और पिक है नेक्स्ट दिवाली तक का, तो आप लोग आईटीसी भी बाई करके चल सकते हैं। हम लोग वीकली चार्ट भी थोड़ा देख लेते हैं कन्फर्मेशन के लिए। वीकली चार्ट हम लोग को लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। तो हम लोग वीकली में देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला था, तो प्राइस अभी बहुत ही अच्छे रेंज पे मिल रहा है। आईटीसी अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज से टकराता है और प्राइस इस पिवट से टकरा के फिर से पुल बैक ले लेता है, और हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे 20 का लाइन भी इंक्लाइंड अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब है बुलिश सिग्नल है, तो एक बढ़िया सा कैंडल हम लोग को वीकली पे भी मिल जाएगा, तो आईटीसी बढ़िया रिटर्न दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो आईटीसी हमारा सेकंड पिक था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। हमारा नेक्स्ट स्टॉक भी एक कंज्यूमर कंपनी ही है दोस्तों, वो है बजाज कंज्यूमर्स। हेयर ऑयल बनाने वाली इस कंपनी है, इसका मार्केट शेयर लगभग 64% है बजाज हेयर ऑयल का। इसलिए बजाज कंज्यूमर एक बहुत ही ग्रोथ वाली FMCG कंपनी है, तो अगर FMCG में किन्हीं को निवेश करना है, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है FMCG में, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो बहुत ही इनका स्ट्रांग रहता है और हमेशा बिकते हैं, किसी कोई भी इन पे कोविड या किसी का असर नहीं होता है। तो हम लोग देख रहे हैं बजाज कंज्यूमर में 200 डेज का लाइन ये था और प्राइस यहाँ तक फॉल कर चुका है, इस पिवट्स पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल हम लोग इसमें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि 20 के लाइन को ब्रेक करे, तब हम लोग खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, तो बाई करके चल सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए इस पिवट को ब्रेक करके नीचे आता है, तो इस पिवट पर सपोर्ट ले सकता है। इसलिए पिवट का भी अपना रोल है कि हम लोग को बताता है किस पिवट पर सपोर्ट लेना है। और एक और भी बात, हम लोग हर वीडियो में भी बात करते हैं दोस्तों, यही गलती बहुत सारे रिटेलर करते हैं कि कभी भी 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं खरीदना है, बहुत ज़्यादा ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर हम लोग खरीद भी लेते हैं, तो डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे कुछ बाई कीजिए, कुछ यहाँ पे बाई करते जाइएगा, तो अंत में आपका किसी भी स्टॉक में -20% चला जाएगा। इसलिए मान लीजिए किसी स्टॉक में अगर आप फंस भी जाते हैं, मान लीजिए खरीदे और वहां से प्राइस बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन कर देता है, तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं और तुरंत से क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते जाते हैं, और ऐसा होता है कि आप लोग -20% में उस स्टॉक में चले जाते होंगे। तो ये मेथड नहीं करना है, पहले वेट करना है 200 डेज के मूविंग एवरेज पर प्राइस आता है चाहे नजदीक में, तो बाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ से भी हमारा एनालिसिस गलत हो जाता है और प्राइस और नीचे आ जाता है, तो वेट करेंगे हम लोग, पिवट देखते जाएंगे, जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा वहां पे हम लोग बाई करेंगे। और हम लोग 5% का रूल भी फॉलो करेंगे, एक स्टॉक में हम लोग अपना पोर्टफोलियो से 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो बजाज कंज्यूमर हमारा नेक्स्ट पिक है, एकाध और भी अच्छा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है तो हम लोग बाई करके चलेंगे। और हमारा अगला स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर, ये फार्मा कंपनी है दोस्तों, और ये अभी हम लोग जानते हैं जो चाइल्ड का वैक्सीन आ रहा है कोविड का, वो कैडिला हेल्थ केयर ही बना रही है। तो फार्मा कंपनी बहुत ही बेस्ट है कैडिला हेल्थ केयर, हम लोग बाई करके चल सकते हैं। तो हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे हम लोग को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा सिचुएशन है बाई करने का। अगर एकाध और ग्रीन कैंडल हम लोग को बढ़िया सा देखने को मिलता है, तो हम लोग बाई करके चल सकते हैं। और हम लोग वीकली पे देख लेते हैं, तो वीकली की बात करें तो वीकली पे हम लोग को थोड़ा सा इसमें डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है,
क्योंकि 20 का लाइन निगेटिव में मतलब डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें वेट करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस पहले होता है फिर जब नीचे प्राइस आता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, तो इसीलिए हम आज इसको पिक किए थे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे अब सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग को कैंडल अगर बढ़िया सा हैमर देखने को मिलता है और एक और ग्रीन कैंडल, तो हो सके तो प्राइस और ऊपर जाएगा। ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर ऊपर चला जाए प्राइस तो फिर 200 डेज पे ही आके रुकेगा, ऊपर से भी घूमता है, तो हम लोग को एनालिसिस करते रहना है। तो डेली आपको एंट्री देगा और वीकली आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताएगा। तो हम लोग डेली पे देख रहे हैं, 200 डेज के नीचे चल रहा है तो हम लोग बाई करके चल सकते हैं। और हमारा आज का लास्ट स्टॉक है दोस्तों HDFC AMC। बात करें HDFC AMC की तो क्वालिटी डेफ्री शेयर है जो म्यूचुअल फंड और डेफ फंड HDFC का मैनेज करता है। तो हम लोग बात करें HDFC AMC की तो अभी 200 डेज का लाइन ये है और बहुत ही अच्छा फॉल हम लोग को देखने को अच्छा खासा मिल रहा है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड है तो ज़्यादा एवरेजिंग ना करें, अगर एवरेजिंग कीजिएगा तो आप लोग को बेनिफिट नहीं होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इस पिवट तक लाइन पर आने का कोशिश कर रहा है प्राइस, अगर इस पे आता है और एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है तो उसमें हम लोग नो डाउट एंट्री कर लेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई इफ एंड बट हम लोग को नहीं सोचना है HDFC AMC में, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं HDFC ग्रुप का बैकिंग है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट AMC ग्रुप है आफ्टर SBI AMC, इसलिए ये सब डेट फ्री स्टॉक है और इमर्जिंग सेक्टर स्टॉक है, तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग को डरना नहीं है, बहुत ही क्वालिटी और डेट फ्री शेयर है, जितना क्वांटिटी उठाना है उठा सकते हैं, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग बाई करके चलेंगे, अगर हम लोग को बढ़िया से कैंडल देखने को मिलता है, पहले तो हैमर का वेट करें और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है तो हम लोग बाई करके चलेंगे। अगर मौका नहीं भी मिलता है तो हम बोल रहे हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जरूर से जरूर एक स्टॉक आप HDFC AMC का जरूर से खरीदें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक आपको बहुत ही ज़्यादा ये प्राइस चला जाएगा, तो इसलिए HDFC हम लोग बाई करके चलेंगे। थैंक्स, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब